मेरा नाम मंसूर है, मैं 168 पट्टा भी रामनगर ड्रेवेस कलेक्शन सेंटर को मैनेज करता हूँ। मेरी पूरी टीम है 12 लोगों की। तो सवेरे 6 बजे से 7 बजे तक हम कलेक्शन पे निकलते हैं। 7 बजे से लगभग 12 एक घंटे तक कलेक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे लाके हम सॉर्टिंग करके सेग्रीगेशन करके टोटल 72 कैटेगरी होता है, उसमें हम यहाँ पे 30 से 35 कैटेगरी सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद होलसेल डीलर को हम सेल कर देते हैं, फिर वहाँ से फैक्ट्री को जाता है, फिर वहाँ से रिसाइकलिंग का प्रोडक्ट बन जाता है। उसके बाद जो भी लेता है उसको या कोंगई बना सकता है या पीयूसी पाइप या कुछ बिंगे बगिट इस तरह कुछ भी हो सकता है। तो इस जर्नी में मेरा लगभग एक एक्सपीरियंस आके 20 साल का है। तो लगभग 14 या 15 साल से मैं इस काम पे कर रहा हूँ। तो मेरा माता और पिताजी दोनों का एक छोटा सा कबाड़ी शॉप था, तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैं 5वीं क्लास का ड्रॉप आउट स्कूल का हूँ। तो मैंने जो भी पढ़ा है उर्दू पढ़ा था, अभी मैं लगभग थोड़ा सा कन्नड़ा पढ़ सकता हूँ मगर लिख नहीं पाता हूँ। तो यहाँ पे 2013 पे ड्राइवर्स कलेक्शन सेंटर पे आया, तो इतना नॉलेज, इतनी कुछ भी मैं बात करता हूँ तो ये पूरा एक्सपीरियंस, कुछ ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ आशीर्वदला एनजीओ ने दिया है। तो 2009 में हमारी बस्ती पे आके वेस्ट स्पीकर का उन्होंने सर्वे लिया था। सर्वे लेने के बाद हम लोग कुछ घबराए हुए थे, क्योंकि ये सब सर्वे करके कुछ हमारी कबाड़ी शॉप को इफ़ेक्ट हो जाएगा, हम बस्ती में गंदगी फैला रहे हैं, इस तरह कुछ बना देंगे बोल के उन लोगों से हम बातचीत करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद धीरे धीरे वो लोग रोज़ वीकली या मंथली 2 डेज 3 डेज के एक बार आके हमारे पास 10 मिनट बात करो, आधा मिनट बात करो, आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका कुछ भी प्रॉब्लम है हम लोग सॉल्व करेंगे, इस तरह सब भी हम लोगों को वो मोटिवेशन कर रहे थे। तो वो कुछ शायरी होती है, एक बार देखने से पता नहीं चलता, देखते देखते ही बात हो बढ़ने लगती है, इस तरह हम लोगों को उनसे एक मुलाकात करते करते बातचीत चलने लगी। हम लोग उन लोगों के साथ मिल बैठ के डेटा वगैरह दे रहे थे, जिस तरह एक वेस्ट स्पीकर सवेरे 5 बजे उठ के मुँह नहीं धोया, दांत नहीं लगड़ा, इस तरह जाके सड़क सड़क पे वेस्ट पिकअप करके ला के उन बच्चों को कुछ गुजारा ज़िंदगी चल रही थी। तो ये बदलाव लाने के लिए हसरुद्दला ने हम लोगों को सर्वे लेके एक वेस्ट पिकर कार्ड उन्होंने बना के दिया था। तो वो उस वेस्ट पिकर का कार्ड में कितना पावर बोले तो आज 1 लाख रुपया ओवरड्राफ्ट लोन भी मिल रहा है हम लोगों को। और इस ड्राइवर्स कलेक्शन सेंटर आने की वजह भी वही है, क्योंकि डेटा चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, कितना सेग्रीगेट हो रहा है, कितने किलोमीटर, 2.5 से 3 किलोमीटर सड़क पे चलते पैदल जाके उसमें 30-40 केजी सर पे खंधे पे लेके आके सेग्रीगेट करने में कितना वक्त लगता है, कितना पैसा आता है। और एक लेडीज़ या कोई जेंट्स भी 150 रुपया का मटेरियल एक कबाड़ी शॉप पे तोलते हैं तो 20 पर 2 लोग इसमें जीवन चला रहे हैं। इस तरह से भी सर्वे हम लोगों को उन्होंने करके बताया। और इसी तरह BBMP को कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नष्ट हो रहा है, क्योंकि जो भी लैंडफिल्ड में लेके जाके फेंक रहे थे उसमें लगभग आज बेंगलुरु के अंदर 200 टन के ऊपर रिसाइकलिंग को मटेरियल रेडी हो रहा है, क्योंकि ये सभी वजह है वेस्ट पिकर के, क्योंकि उन लोगों में इतनी शिद्दत से बिना सैलरी के काम, जैसे कि सवेरे उठा थैला लेके सीधा चल पड़े, क्योंकि उनको सैलरी नहीं है। जो भी उनको ड्राई वेस्ट में हाई वैल्यू मटेरियल मिलता है उसको बेच के ही उनका गुजारा चल रहा था। आज हम लोग इस तरह यहाँ पे जुड़ के काम कर रहे हैं कि एक एक ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर में 10 से 15 लोग काम करेंगे तो लगभग बेंगलुरु के अंदर 200 वार्ड है, 3000 लोगों को काम मिलेगा। 3000 लोगों से सोचिए, अभी ये फर्स्ट स्टेज होगा, उसके बाद सेकेंड स्टेज होलसेल डीलर या कुछ फैक्ट्री लेवल पर हिसाब डालेंगे तो हज़ारों लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो इस हज़ारों लोगों की रोज़ी रोटी इस ड्राई वेस्ट में हो रही है। तो हम लोग जो भी सिटीजन्स रहते हैं उन लोगों को ये बोलना चाहते हैं कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट तीनों को सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब पूरा कूड़ा इकट्ठा करके कहीं भी जला देते हैं तो पोल्यूशन क्रिएट होता है। पोल्यूशन क्रिएट होता है तो हमारा वातावरण, क्लाइमेट बहुत इफेक्ट होता है। क्योंकि क्लाइमेट के बारे में बोल रहा हूँ मगर ये कह रहे हैं एक वेस्ट पीकर क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा है, इस तरह सोच सकेंगे। तो मैं 2015 में क्लाइमेट चेंज मीटिंग अटेंड किया हूँ,
तो वहाँ पे मैंने जो भी पेरिस में देखा है, शुरुआत में मेरे को फर्स्ट दिन या दो दिन डर लग रहा था लोगों से बात करने में। कई सारे मेरे को इंग्लिश भी नहीं आती, सिर्फ हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, ये लैंग्वेज आती है। अभी अफ्रीका के, जापान के, चाइना से, मलेशिया से, इस तरह पूरे लोग वहाँ पे इकट्ठा, कम से कम 50,000 लोग वहाँ पे इकट्ठा होने की स्पॉट थे। तो फर्स्ट पहला दिन मेरे को थोड़ा घबराहट से था। उसके बाद देखें तो हर आदमी को ट्रांसलेशन चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज थ्री लैंग्वेज को ही देते हैं कि ट्रांसलेशन। उसके बाद में क्या होते हैं, जो भी वहाँ पे ग्रुप में जो जमे होते हैं, एक को एक बोलते हैं क्या क्या बात कर रहे हैं, किस तरह बात कर रहे हैं। तो मेरे साथ पेरिस में कबीर भाई थे। कबीर भाई को हेड्स अप कहना है कि क्योंकि जो भी मैं बात करूँगा तो भी उन लोगों को ट्रांसलेशन करना था, फिर जो भी बंदा खड़ के स्पीच दे रहा है तो उसको भी मेरे को ट्रांसलेशन करना था। तो उसी में एक इवेंट के लिए 7 मिनट या 3 मिनट या 6 मिनट बात करना पड़ता था। तो हर वक्त वो मेरे बगल में बैठ के मेरे को एक्सप्लेन कर रहे थे, ये बंदा ऐसा बोला, इस तरह हुआ, ठीक है। तो आप लोग को मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कूड़ा लेके जाके कहीं भी आप फेंक देते हैं या गटर में जाम होता है, तो ये पूरा हमारा सिटी के लिए बहुत से बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। और सेग्रीगेट करके कहाँ पे जा रहा है, और आपके वार्ड के अंदर ड्राइवेस कलेक्शन सेंटर है, उसको विज़िट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा आप लोगों को। क्योंकि देखिए, यहाँ पे हमारा फ्यूचर ख़त्म होने वाला है, अभी अगले जनरेशन का फ्यूचर शुरू होने वाला है। क्योंकि इस धरती को हमने इतनी गंदगी करके जाएंगे तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये धरती बचेगी नहीं। तो धन्यवाद कहता हूँ कि आप लोग, सेग्रीगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो यूआर रोड, यूआर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूआर कंट्री, यूआर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू, धन्यवाद।